हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मी ऑन एकेडमी प्लेटफॉर्म। वी आर डिस्कसिंग हियर द ऑप्शनल टॉपिक ऑन यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल चैनल क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म द डिजाइन एकेडमी। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. और plus subscription के time पर बेटा मेरा code SNT1 use करेंगे। बहुत important topic आज यहाँ पर isostasy हम लोग discuss करने जा रहे हैं। isostasy, right? तो सभी साथ बने रहेंगे अगले डेढ़ घंटे करीब। Crack UPSC CSE with India's largest learning platform, the Design Academy. Get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. And academy platform पर आपको daily live classes, live test quizzes, structured courses, unlimited access provide किया जाता है। Download an academy learning app for special live classes. Special live classes के लिए an academy learning app download कीजिए आप, ठीक है? If I talk about me, my name is Shashindranath Tiwari. I have completed my degrees from CSS University Meerut. I am faculty of geography, environment and studies. I have an experience of more than 7 years where 2013 se teaching start kiya hai. I have taught in many reputed institutes of Mukherjee Nagar and Rajendra Nagar. This is my telegram channel, Unacademy. This is Khushin Tiwari. Aap swim mere se aaj ud sakte hai. This is my Unacademy profile at the rate Shashindra 2012-5026. Prepare with 100 plus top educators with a plus subscription. Plus subscription ke saath 100 plus top educators ke saath aap प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन के टाइम पर मेरा कोड बेटा SNT1 यूज करें जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। यू कैन सी द लिस्ट ऑफ द एजुकेटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूल ऑन एकेडमी प्लेटफॉर्म। वन इज द प्लस सेकंड आइकॉनिक प्लस लाइव। इन प्लस मॉड्यूल देयर इज प्लस लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड प्रैक्टिस स्ट्रक्चर शेड्यूल। And in plus module, there is 1 month, 3 months, 6 months, 12, 24, 36 months courses. And there's a fee list for the respective durations. By using the code SNT1, you will get 10% discount. And this is the discounted list. After 10% discount, this is a list for respective durations, right? For respective durations. Iconic module mein in charo components ke alawa aapko personal coach, daily mains question answer, practice, study planner, personalized feedback. इसमें 12 मंथ्स, 24 मंथ, 36 मंथ्स के कोर्सेज हैं और लिस्ट फॉर द रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन। बाय यूजिंग माय कोड SNT1 यू विल गेट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मिलेगा बेटा आपको। और डिस्काउंटेड लिस्ट यहां पर दी गई आइकॉनिक कोर्सेज के लिए। अनअकैडमी कॉम्बैट मैच कॉम्पिटिशन, गेमिफाइड कॉम्पिटिशन फॉर यूपीएससी सीएससी 6 दिसंबर और 20 दिसंबर के लिए 11 AM पर कंटिन्यू हो रहा है। आप इसको ज्वाइन करें। कंटेस्ट फॉर्मेट क्या होगा? 45 मिनट्स का 60 क्वेश्चंस होंगे, 13 कॉम्बैट्स, 6 सिलेक्शन, रिलेटिव स्कोरिंग, फोर्टनाइटली कंटेस्ट विल गो ऑन। कंपीट विद बेस्ट एंड विन अमेजिंग प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज एंड टॉप 100 रैंकर्स विल गेट ₹1000 अमेजन वाउचर्स, राइट? तो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो ज्योग्राफी ऑप्शनल यहाँ मैं पढ़ाता हूँ। टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दीज आर द प्रोवाइडेड ऑन एन एकेडमी प्लेटफॉर्म। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान्स 1 month, 6 months, 12, 24, 36 months के लिए बेटा, जिसमें आपको फी स्ट्रक्चर ये है फॉर द रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन। यूपीएससी सीएससी जीएस का फी लिस्ट ये है रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन के लिए। बाई यूजिंग कोड SNT1 यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन ऑल द कोर्सेस। The today's topic is what? Concept of isostasy. क्या टॉपिक है बेटा? Concept of isostasy. Good evening everyone. Hello सभी लोग कैसे हैं भाई? Isostasy के concept को बेटा हम लोग समझने चाह रहे हैं। Pratt और Airy ने इस concept को provide किया है। This is the very important topic. बहुत ही important topic है जो यूपीएससी के एग्जाम में मेंस में ऑप्शनल ऑप्शनल सब्जेक्ट में पूछा जाता रहता है, ठीक है? तो आइसोस्टेसी का मतलब है रिमेनिंग बैलेंस, है ना, मेंटेनिंग द बैलेंस कंडीशन, दैट इज कॉल्ड आइसोस्टेसी।
जियोलॉजिकल ज्योग्राफिकल बैलेंस या क्रस्टल बैलेंस क्रिएटर है उसको हम आइसोस्टेसी कहते हैं। ये अर्थ है बेटा, अर्थ के में बहुत जगह माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं पर है ना ओशियन है। तो इस तरह से जो यहाँ पर अप एंड डाउन्स की कंडीशन लाई कर रही है, इसके साथ में जो बैलेंसिंग बैलेंसिंग सिचुएशन, स्टेट ऑफ बैलेंस है ना, स्टेट ऑफ बैलेंस इज कॉल्ड आइसोस्टेसी। गुड इवनिंग एवरीवन। स्टेट ऑफ क्या है? बैलेंस, दैट इज कॉल्ड आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी का मतलब क्या होगा कि अगर जितने भी माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वो सभी बैलेंस स्टेटस में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? आइसोस्टेसी कहेंगे। इन आइसोस्टेसी क्या हुआ? द सिचुएशन ऑफ इम्बैलेंस कंडीशन ऑफ द प्लेट, दैट इज कॉल्ड इन आइसोस्टेसी। द टर्म आइसोस्टेसी इज डेराइव्ड फ्रॉम आइसोस्टेटियोस, द वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज मीनिंग द स्टेट ऑफ बैलेंस। याद रखना क्या मतलब बेटा स्टेट ऑफ बैलेंस, समझ रहा है? स्टेट ऑफ बैलेंस आप देख सकते हैं, कुछ पोर्शन है जिनका ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, कंपेरेटिवली इसका कम, इसका बहुत कम है, लेकिन ये स्टेटस कैसे मेंटेन कर रहे हैं बैलेंस का, इसी कॉन्सेप्ट को डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स एक्चुअली यहां पर एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। ये जो कंडीशन है ये एरी का व्यू है, दिस इज द व्यू ऑफ एरी। एरी एक साइंटिस्ट है, एक मैथमेटिशियन है, जिन्होंने अपना व्यू दिया। उनके हिसाब से बिगर द कॉलम है ना, इफ देयर वुड बी द बिगर कॉलम एंड देयर विल बी इन प्रपोर्शनेट रूट्स, जैसे जैसे कॉलम बड़ा होगा उसका रूट्स भी उतना ही ज्यादा होगा। इनका कहना है कि अगर हिमालय का हाइट कितना है, 8848 मीटर है, तो अराउंड 9 टाइम्स मोर देयर विल बी द रूट ऑफ द हिमालयस फॉर द बैलेंसिंग, फॉर बैलेंसिंग ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। इट्स के ऑल्टीट्यूड को बैलेंस करने के लिए यहां पर लगभग इसको अगर 9 किलोमीटर मान लें तो 81 किलोमीटर के आसपास जो है आपको इसका रूट लाई करेगा। सो एनी ऑफ द ऑल्टीट्यूडनल स्ट्रक्चर, एनी ऑफ द ऑल्टीट्यूडनल स्ट्रक्चर हैविंग 9 टाइम्स इट्स रूट बिलो द सरफेस, इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एयरी। एयरी का कॉन्सेप्ट ये है बेटा। आगे देखते हैं क्या व्यूज निकल के आता है। यू ऑलरेडी नो दैट, नो एंड मस्ट हैव सीन दैट द माउंटेन हैव मेनी पीक्स एंड रिलेटिवली ग्रेट हाइट्स। तो माउंटेन में बहुत सारी पीक्स होती हैं और कंपेरेटिवली वो प्लेन वगैरह के कंपेयर में काफी ऊंचा होता है ना, दैट इज व्हाट कंपेरेटिवली वेरी हाई। ठीक है बेटा। तो सिमिलरली प्लेट्यू एंड प्लेन हैव फ्लैट सर्फेसिस। प्लेट्यू का सर्फेस स्ट्रक्चर ऐसा होता है, प्लेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, समझ रहे? प्लेटू और प्लेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दे हैव मॉडरेट एंड लोअर हाइट रिस्पेक्टिवली। मतलब लो मॉडरेट हाइट किसका है? प्लेट्यू का है। और लो हाइट किसका है? प्लेन का है। हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड किसका है बेटा? नमस्कार यूपीएससी प्रिपरेशन, नमस्कार सभी को। तो मैं यहां कहना चाहूंगा कि यहां पर आपको मॉडरेट हाइट किसका? प्लेट्यू का है बेटा। और लोअर हाइट प्लेन्स का। हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड किसका है? हिमालय का है। तो इस तरह की जब कंडीशन है कि यहाँ भाई देखो ये हिमालय है, माउंटेन है, माउंटेन के बाद यहाँ साइड में प्लेट्यू है, फिर उसके बाद प्लेन है, ये वैली है। तो इस तरह से जब अपलिफ्टेड सिस्टम लाई करता है, इम्बैलेंस ऑल्टीट्यूड है, तो ये बैलेंस स्टेटेसी के आइसोस्टेसी कैसे क्रिएट करता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आइसोस्टेसी मीन्स हाउ दीज लैंड मासेस इफ लाइंग अनइवन इन टर्म्स ऑफ ऑल्टीट्यूड, देन हाउ दे आर क्रिएटिंग देयर बैलेंस ऑफ स्टेटस, स्टेटिक बैलेंस कैसे क्रिएट करता है। ऑन द कंट्रेरी ओशनिक बेड्स एंड द ट्रेंचेस हैव ग्रेटर डेप्थ्स। ओशनिक बेड जो है बेटा ऐसा है, और ट्रेंचेस तो आप समझ लीजिए ये कंडीशन है। तो माउंटेन हिमालय का जो हाईएस्ट पीक है 9 किलोमीटर अराउंड है, 8848, और जो डीपेस्ट ट्रेंच है दैट इज कॉल्ड मेरियाना, उसका अल्टीट्यूड बेटा 11,000 किलोमीटर, 11 किलोमीटर अराउंड है। तो 11 प्लस 9 कितना है? 20 किलोमीटर का डिफरेंस है ओशनिक ट्रेंच में। यस, एट 7 o'clock आई एम हेयर कंडक्टिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल एट एवरी डे ज्योग्राफी ऑप्शनल एट 7 PM। तो बेटा मेरी बात समझेंगे यहां पर कि कंट्रेरी टू इट मींस अपोजिट टू द कंडीशन ओशनिक बिट्स एंड द ट्रेंचेस हैव ग्रेटर डेप्थ्स। तो ये कैसे बैलेंस क्रिएट हो रहा है ना, दीज बैलेंसेस
वॉट एवर क्रिएटिंग दैट इज कॉल्ड है ना द कॉन्सेप्ट विच एक्सप्लेन्स द क्रिएशन ऑफ द बैलेंस ऑफ सच स्ट्रक्चर्स वी स्टडी वी कॉल दैट एज आइसोस्टेसिस, उसको हम आइसोस्टेसिस कहते हैं. देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन द हाइट अमंग दीज फीचर्स. तो जो यहाँ हम देख रहे हैं कि माउंटेन है प्लेन है प्लेट्यू है राइट माउंटेन्स प्लेट्यूज प्लेन्स ओशियन बेड ट्रेंचेस, इन सभी में बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इस बात को समझ के चलना ठीक है. इन सभी में क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. मतलब यह है कि अगर मैं स्ट्रक्चर को आपको शो करना चाहूं यहां पर, तो देखिए माउंटेन का स्टेटस ये हुआ ठीक है. प्लेट्यूज का स्टेटस लाइक करेगा बेटा इस तरह से, प्लेट्यूज का स्टेटस ये होगा, प्लेन यहां पर आके ऐसे बनेगा ठीक है, ओशियन बेड यहां इस तरह से क्रिएट होगा और ट्रेंचेज इसी के साथ में यहां बनेगा ठीक है. ये हो गया. तो ये हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड है और ये लोएस्ट ऑल्टीट्यूड है. ये जो इतना डिफरेंस है हाइट में है ना, जो इसके डिस्टेंस में पीक में और प्लेसेस में डिफरेंसेस है, इसका ये कैसे मेंटेन होता है ना, ये कैसे एक दूसरे के साथ बैलेंसिंग कंडीशन क्रिएट करके चलता है, वही टॉपिक हमें पढ़ना है आइसोस्टेसिस में, वही कारण हमें पढ़ के चलना है आइसोस्टेसिस में. तो मैं सिंपली बताता हूं, द बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, बिगर द कॉलम राइट लेसर द डेंसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी. समझ में आ रहा है, ये आपको कंक्लूजन निकलेगा. मींस व्हिच एवर द रिलीफ सिस्टम हैविंग हायर एल्टीट्यूड कंपैरेटिवली हैविंग द लो डेंसिटी एंड द रिलीफ सिस्टम हैविंग द लो स्मॉल ऑल्टीट्यूड, जिसका स्मॉलर हाइट है ना, स्मॉलर कॉलम है, स्मॉल कॉलम होगा बेटा, तो उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा. इन सच सर्कमस्टांसेस मास रिमेन्स बैलेंस, मास अपर ऑलमोस्ट क्या बैलेंस रहता है. सो देयर इज क्रिएट देयर क्रिएट्स अ सबस्ट्रेटम, एक सबस्ट्रेटम क्रिएट होता है जहां पर ये सभी क्या करेंगे, बैलेंसिंग सिचुएशन में लाई करेंगे. ये मान लीजिए सबस्ट्रेटम है, तो यहां पर जिसकी हाइट ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम होगी ठीक है. उसके बाद ये मान लो माउंटेन है, तो प्लेट्यू का हाइट कितना होगा बेटा, प्लेट्यू का हाइट और कम हो जाएगा, प्लेन का हाइट और कम हो जाएगा. इसी तरह से अगर हम ओशियन बॉटम की बात करते हैं, ओशियन बेड का, तो इसकी हाइट और कम हो जाएगी, ट्रेंचेस का और कम हाइट हो जाएगा है ना. दीज आर द सीक्वेंसेस विच क्रिएटिंग द बैलेंस. बैलेंस कैसे बन रहा है, डेंसिटी इसका सबसे कम है, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है. समझ आ रहा है, तो पॉइंट को समझने की कोशिश करना बेटा कि हमारे टॉपिक में हमारे चैप्टर में एक्चुअल में है क्या. ऑन द कंट्रेरी ओशियनिक बेड्स एंड द ट्रेंचेस हैव द ग्रेटर डेप्थ, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन द हाइट अमंग दीज फीचर्स. जितने भी फीचर्स हम देख रहे हैं माउंटेन्स प्लेट्यूज प्लेस, इनकी हाइट में बहुत सारे बड़ा लेवल पर डिफरेंसेस दिखाई देता है. यू ऑल्सो नो दैट द अर्थ इज रोटेटिंग वाइल कीपिंग परफेक्ट बैलेंस अमंग इट्स वेरियस फीचर्स. मतलब क्या है, देखिए अर्थ में ये माउंटेन है, इसका प्लेट्यू हो जाता है ठीक है, प्लेट्यू स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद में प्लेन स्ट्रक्चर यहाँ पर है, यहाँ ये ओशियन बेड है बेटा, ओशियन बेड के साथ ये ट्रेंचेज है ठीक है, फिर यहाँ माउंटेन राइट, इस तरह से माउंटेन है, लेकिन अर्थ उसके बाद भी क्या है, एक बैलेंसिंग सिचुएशन बना के रखती है. अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट. अगर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, इस तरह से इंबैलेंस रिलीफ लाई करेंगी, तो इसको टूट के गिर जाना चाहिए. बट देयर इज द व्हाट बैलेंसिंग कंडीशन अमंग द है ना, अमंग द प्लेट्स, अमंग द व्हाट क्रस्ट एट अ सर्टेन डेप्थ, जैसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, वहां के ये जो ऑल्टीट्यूड सारे एक साथ स्टैटिक हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन द डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेरिंग ऑल्टीट्यूड ठीक है. दस आवर अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी इन व्हाट आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमारा अर्थ लाई करता है, मतलब बैलेंस कंडीशन में अर्थ का कंडीशन लाई करेगी. एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, सपोज यू आर होल्डिंग वन स्टिक ईच इन योर बोथ हैंड्स वर्टिकली
on varying heights, say 5 and 15, and you are moving in a particular direction, किसी एक direction में चल रहे हैं, तो वो जो stick होंगे वो क्या करेंगे, back की तरफ, suppose आप इस direction चल रहे हैं तो पीछे की तरफ निकल के आएगी। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको इसे प्रेस करके रखेंगे इस तरफ, है ना, मतलब ईस्ट वर्ड अगर आप मूव कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ से आ रहे हैं, तो ये जो आपका यहाँ पर स्टिक है, ये स्टिक ऐसे होने की जगह थोड़ा सा इस तरह से झुकी हुई रहेगी, है ना, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। डू यू हैव एनी डिफिकल्टी इन द व्हाट मेंटेनिंग अ बैलेंस इन द कॉन्ग्रेंस विद आवर बॉडी एज वेल एज टू स्टिक्स टूगेदर, दोनों स्टिक्स जिनकी हाइट कुछ भी है, डिफरेंट डिफरेंट हाइट है, उनको हाथ में लेने के साथ अपनी बॉडी का बैलेंस आप बना पाएंगे, है ना। डेफिनेटली स्मॉलर स्टिक विल बी इजी टू मेक अ बैलेंस देन द व्हाट लॉन्गर वन, जो लंबी है जिसकी लंबाई ज्यादा है उसको बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी, जो छोटी है उसको आप इजिली बैलेंस बना सकते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, उसका चेंज हो, ज्यादा ऊपर हो जाएगा तो बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, नीचे होगा तो बैलेंस आसानी से होता रहेगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद स्मॉलर स्टिक विल बी नियरर टू द व्हाट होल्डिंग हैंड, जहां आपका हाथ है, ठीक है, इसी हाथ के पास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका लाई करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसका, लॉन्गर स्टिक का, तो हैंड आपका ये है बेटा, दिस इज द हैंड, और इसका सेंटर ग्रेविटी यहां, तो बैलेंस होने की जगह इम्बैलेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। हैंड इन द कंपेरिजन टू द व्हाट लॉन्गर स्टिक इन द सेम वे स्मॉलर सरफेस फीचर्स लाइक द प्लेन्स आर मोर स्टेबल देन द टॉल माउंटेन्स, टॉल माउंटेन्स के कंपेयर में प्लेन्स ज्यादा बैलेंस कंडीशन में लाई करेंगे। आइसोस्टेसी, इसके कॉन्सेप्ट का हम बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे। आइसोस्टेसी मीन्स बैलेंसिंग स्टेटस, आइडियल थियोरिटिकल बैलेंस ऑफ ऑल लार्ज पोर्शंस ऑफ द अर्थ लिथोस्फेयर एज दो देवर फ्लोटिंग ऑन द डेंसर अंडरलाइंग लेयर द एस्थेनोस्फेयर, नीचे क्या है बेटा, एस्थेनोस्फेयर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कंडीशन में हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं, यहाँ एस्थेनोस्फेयर है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसके ऊपर क्रस्ट है जिसकी डेंसिटी कम है, और ये क्रस्ट और द लिथोस्फेयर मेंटेन्स इट्स बैलेंस विद द एस्थेनोस्फेयर व्हिच इज इन मोल्टन फॉर्म, है ना। एस्थेनोस्फेयर अ सेक्शन ऑफ द अपर मेंटल कंपोज्ड ऑफ वीक प्लास्टिक रॉक दैट इज अबाउट 100 किलोमीटर, दैट इज अबाउट व्हाट 100 किलोमीटर 70 माइल्स बिलो द सरफेस, सरफेस से 70 माइल्स या 110 किलोमीटर नीचे एस्थेनोस्फीयर लाई करता है, उसके ऊपर रॉक्स। आइसोस्टेसी कंट्रोल्स द रीजनल एलिवेशन कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोर्स इन द अकॉर्डेंस विद द डेंसिटीज ऑफ देयर अंडरलाइंग रॉक्स। तो मीनिंग यहां पर यह है बेटा, मीनिंग यहां पर यह है, समझने की थोड़ा कोशिश करना कि जो जितना हाई ऑल्टीट्यूड का मटेरियल है या हाई ऑल्टीट्यूडनल ब्लॉक है, वो उसकी डेंसिटी उतना कम रहेगी, और जिसका है ना डेंसिटी कम होने का मतलब है कि ज्यादा भारी होगा, है ना, कठोर ज्यादा होगा वो, और जिसका हमने कहा कि ऑल्टीट्यूड कम है जैसे ओशियन बेड है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इसी के साथ मास क्या होगा, देयर विल क्रिएट द वर्ड मास, इक्वल मास, दैट्स व्हाई देयर इज लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब बैलेंस की कंडीशन इसलिए लाई करती है ना। तो आपने देख लिया होगा यहाँ पर आइसोस्टेसी कंट्रोल्स द रीजनल एलिवेशंस, आइसोस्टेसी क्या करता है, रीजनल एलिवेशंस को कंट्रोल करता है, राइट। आइसोस्टेसी कंट्रोल्स द रीजनल माने आसपास की जो एलिवेशंस है उसको कंट्रोल करता है, एलिवेशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोस इन अकॉर्डेंस विद द डेंसिटीज ऑफ देयर अंडरलाइंग रॉक्स, डेंसिटीज ऑफ देयर अंडरलाइंग रॉक्स। इमेजनरी कॉलम्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट राइज फ्रॉम द एस्थेनोस्फीयर टू द सरफेस आर अज्यूम्ड टू हैव इक्वल विड्थ्स एवरीवेयर ऑन अर्थ इवन दो देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द एलिवेशंस ऑफ देयर अपर सरफेसेस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो भाई देखो, जिसका अगर हमने सेम सरफेस एरिया लिया, सरफेस एरिया सेम लिया,
दूसरे का भी सरफेस एरिया हमने सेम लिया, तो ऐसे केसेस में एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसका डेंसिटी क्या होगा बेटा, कम होगा, और इस वाले का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी आइसोस्टैटिक बैलेंस क्रिएट हो सकता है. दिस मीन्स दैट एन एक्सेस ऑफ द मास सीन एज मटेरियल अबव सी लेवल एज इन द माउंटेन सिस्टम्स. माउंटेन सिस्टम लगता है कि बहुत ज्यादा उसमें मटेरियल है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है. इज ड्यू टू द व्हाट, डेफिसिट ऑफ मास, उसमें मास की कमी है, मास कम मतलब डेंसिटी भी कम है. और द लो डेंसिटी रूट्स बिलो द सी लेवल, सी लेवल के नीचे उसका जो रूट है उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत कम है. इट इज अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ एयरी, एयरी का ये विचार है बेटा. देयरफॉर हाई माउंटेन्स हैव लो डेंसिटी, जिसका जो माउंटेन्स जितना ज्यादा ऊंचा है उसकी डेंसिटी क्या है, उतनी कम होगी, है ना. देयरफॉर हाई माउंटेन्स हैव लो डेंसिटी रूट्स एंड एक्सटेंड डीप इन द अंडरलाइंग मेंटल. अगर सपोज करो हम लोग इसको मान लेते हैं मेंटल, इसके नीचे वाला पोर्शन मेंटल है और यहां पर माउंटेन है, तो अगर ये माउंटेन का हाइट ये है तो ये यहां ज्यादा डेप्थ तक इसका रूट होगा. वही मैंने कहा, बिगर द कॉलम लेसर डेंसिटी, इसका डेंसिटी कम है, और बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इसको ज्यादा गहराई तक जाना होगा. फ्लोटेशन लॉ ऑफ आइस आप समझते होंगे, फ्लोटेशन लॉ ऑफ आइस आसानी से समझते होंगे. अगर ये एक ओशियन बेसिन है, ठीक है, और इसमें यहां पर बेटा पानी भरा हुआ है, समझ रहे हो ना, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, तो जो बर्फ होगी उसकी कंडीशन क्या होती है, बर्फ अगर सपोज करो इसका एक पार्ट ऊपर है तो नाइन पार्ट कहां होगा इसका, नीचे होगा, है ना. इन द सेम वे एयरी प्रपोज्ड, इन द सेम वे बेटा एयरी प्रपोज्ड दैट देयर वुड बी, इफ हायर द ऑल्टीट्यूड इन द सेम प्रपोर्शन देयर विल बी द रूट्स ऑफ द माउंटेन्स. अगर हाइट ज्यादा है और इसका रूट आप लंबा नहीं करोगे तो ऐसे में टूट के गिर जाएगा, है ना. वो पेड़ जिनकी जड़ें ज्यादा मजबूत नहीं होती हैं, जो ज्यादा गहराई में नहीं होती हैं, वो हमेशा टूट जाया करते हैं. दूसरी बात, वो इंसान जो ज्यादा गहराई में नहीं सोचता है ना, वो क्या होता है, हमेशा टूट जाता है. तो गहराई में सोचने की जरूरत है, अपनी गहराई को, अपनी डेप्थ को मेंटेन करिए, है ना. जितना आपका हाइट है कम से कम उससे, जैसा कि एरी ने भी कहा है कि 9 times ज्यादा आपका जमीन के अंदर आप होने चाहिए. जमीन के अंदर मतलब ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड, आपका पहचान उससे अच्छी बनेगी. द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइसोस्टेसी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स. एक्चुअली दिस आइसोस्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द क्रस्ट सपोर्टेड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर. ऑलरेडी मैंने प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट को बता रखा है कि कैसे प्लेट्स कोलाइड करती है, किस तरह से माउंटेन बनता है ना. जो ओशियनिक प्लेट है वो थिनर है, थिनर मतलब पतली प्लेट ओशियन की है, तो उसका डेंसिटी क्या है बेटा, ज्यादा है और वो हैवी है लुक में, ठीक है. उसके बाद हम कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात करते थे, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट कैसा थिकर है ना, उसकी डेंसिटी कम है. अब इन दोनों का बैलेंस क्या होता है, मेंटेन कैसे हुआ, क्योंकि इसकी डेंसिटी, कॉन्टिनेंट की डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है. दैट्स व्हाई दीज आर, दीज रिमेन्स एज द व्हाट, दीज रिमेन इन बैलेंस्ड कंडीशंस, दीज रिमेन इन व्हाट, बैलेंस्ड कंडीशन. तो समझने की कोशिश करना बेटा ये सारी बातें. तो दोबारा से मैं एक बार यहां समझाता हूं आपको. देयरफॉर हाई माउंटेन्स हैव लो डेंसिटी रूट्स एंड ना दैट एक्सटेंड डीप इनटू द अंडरलाइंग मेंटल. द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइसोस्टेसी यहां से याद रखेंगे. द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइसोस्टेसी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जो कि हैरी हैस, पाश्चन, मैकेंजी, मॉर्गन, इन सभी स्कॉलर्स के थ्रू प्रोपाउंड किया गया है बेटा. 1962 में थ्योरी आया है जो डिफरेंट टाइप की लैंडफॉर्म्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इन 1735
एक्सपेडिशंस माने अभियान चलाए गए, एक्सपेडिशंस ओवर द एंडीज लेड बाय पियरे बॉगर। पियरे बॉगर साइंटिस्ट है, इन्होंने एंडीज पर डेंसिटी मेजर करने के लिए अपना अभियान चलाया, है ना। कुछ और साइंटिस्ट ने हिमालय का भी डेंसिटी मेजर करने के लिए, है ना, एक्सपेडिशंस किए। अ फ्रेंच फोटोमेट्रिस्ट एंड द फर्स्ट टू मेजर द हॉरिजॉन्टल ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द माउंटेन्स। मीनिंग कहना यह है इनका कि सपोज करो ये माउंटेन है, इसकी हाइट ज्यादा है, तो भाई जब मटेरियल मास अधिक है तो क्या करे गए, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, लाइक द पेंडुलम बॉब, है ना। जो पेंडुलम होता है उस पेंडुलम में जो बॉब लगा हुआ है यहां पर, ठीक है, ये जो बॉब लगा हुआ है ये क्या होना चाहिए, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होना चाहिए इस साइड में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि इसकी डेंसिटी कम है। यही सेम केस हिमालय के से रिलेटेड भी हुआ था, जिसमें सर जॉर्ज ने, है ना, जो माउंट एवरेस्ट पे सर माउंट एवरेस्ट ने भी क्या किया था, सर एवरेस्ट ने, जॉर्ज एवरेस्ट, है ना, जॉर्ज एवरेस्ट ने भी हिमालय के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया था इसी का। जो दो एक्चुअली सिटीज विलेजेस लिए थे, कल्याण एंड कल्याणा, है ना, कल्याणपुर एंड कल्याणापुर, वहां से जब उन्होंने इस पर्टिकुलर, है ना, बॉब का अट्रैक्शन फोर्स, बॉब पर जब अट्रैक्शन फोर्स चेक किया, पेंडुलम के बॉब मतलब जो यहाँ पर बेटा ब्रास मेटल का लगा हुआ था ना, ब्रास मेटल का, जब उसको यहां से देखा कि भाई इस माउंटेन का अट्रैक्शन फोर्स क्या है, तो जो एक्चुअल में इस माउंटेन का अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए उससे कम फोर्स से इस बॉब को अट्रैक्ट किया। इसका मतलब क्या है कि इसकी डेंसिटी कम थी, है ना, इसकी डेंसिटी क्या थी बेटा, कम थी। यही सब बातें आपको समझनी है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या लेना है कि जो ऑल्टीट्यूड जिसका ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम होगी, जिसका ऑल्टीट्यूड कम है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इन 1735 एक्सपेडिशंस ओवर द एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में लेड बाय द पियरे बॉगर अ फ्रेंच फोटोमेट्रिस्ट एंड द फर्स्ट टू मेजर द हॉरिजॉन्टल ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द माउंटेन्स। माउंटेन्स के हॉरिजॉन्टल ग्रेविटेशनल पुल को यहां पर मेजर किया। नोटेड दैट द एंडीज कुड नॉट रिप्रेजेंट अ, है ना, एंडीज कुड नॉट रिप्रेजेंट अ व्हाट, प्रोट्यूबरेंस ऑफ रॉक सिटिंग ऑन द सॉलिड प्लेटफॉर्म, है ना। मींस वही बात है कि यहां पर जितने फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहिए था वो यहां पर नहीं हो पाया। इफ इट डिड देन द प्लंब लाइन शुड बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ट्रू वर्टिकल बाय एन अमाउंट ऑफ द प्रपोर्शनेट टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द माउंटेन रेंजेस। तो जो भाई माउंटेन रेंजेस यहाँ पर है, जिस हिसाब से इसका हाइट है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर प्लम्ब लाइन क्रिएट होगी, प्लम्ब लाइन जो बॉब जो यहाँ पर है वो जो इसको खींचेगा, जो लाइन यहाँ डेवलप होगी, उस तरह से क्रिएट नहीं हुई जिस हिसाब से इसकी एंडीज की हाइट थी। समझ में आ गया, ज्यादा अट्रैक्ट होना चाहिए था लेकिन अट्रैक्ट उस हिसाब से नहीं हुआ। द डिफ्लेक्शन वॉज लेस, क्या बोल रहा था मैं अभी तक आपको, यही समझा रहा था ना कि माउंटेन का जो हाइट है उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन, मींस यहाँ पर कोई आपने एक पेंडुलम लटका दिया तो जो इसको पुल करना चाहिए था अपने ग्रेविटी के इफेक्ट में, उससे सपोज यहां तक आना चाहिए था तो इससे कम यहीं पर आ पाया है, है ना, एक्स पॉइंट तक आना चाहिए था तो एक्स की जगह पर जेड तक ही पहुंच पाया। इसका मतलब क्या है जो पियरे बॉगर है और सर जॉर्ज एवरेस्ट जो है, इन लोगों ने कहा भाई, इन्होंने कहा कि देखो इसका मतलब ये है कि माउंटेन्स खोखला है, तो अगर कह दें कि माउंटेन्स आर होलो, इट इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट एक्सप्लेनेशन, है ना। अल्टीमेटली वी कैन कंक्लूड दैट द माउंटेन्स आर नॉट होलो बट डेंसिटी ऑफ द माउंटेन्स आर वेरी लो, डेंसिटी ऑफ द माउंटेन्स आर वेरी लो, ठीक है। द डिफ्लेक्शन वॉज लेस देन दैट विच वॉज एंटिसिपेटेड अबाउट द सेंचुरी लेटर। सिमिलर डिस्क्रिपेंसीज माने इसी तरह के, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है बेटा डिफरेंसेस, मतलब जो एक्चुअल लाइन पर होना चाहिए उस पर ना, उससे अलग मिलना डिस्क्रिपेंसी कहलाता है ना। सिमिलर डिस्क्रिपेंसीज वर ऑब्जर्व बाय द सर जॉर्ज एवरेस्ट, सर्वेयर जनरल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के सर्वेयर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर। इन सर्वेज, है ना, साउथ ऑफ द हिमालयस इंडिकेटिंग अ लैक ऑफ द कंपनसेटिंग मास बेनीथ द विजिबल माउंटेन रेंज। जितना माउंटेन रेंज का हाइट है इसके हिसाब से उसमें
उनका सर्वे के हिसाब से, सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे उनके हिसाब से, डिफ्लेक्शन किसमें, पेंडुलम में नहीं आता है, पेंडुलम बॉब में डिफ्लेक्शन उस हिसाब से नहीं डेवलप होता है, समझ के चलना बात को। इन द थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी अ मास अबव सी लेवल इज सपोर्टेड बिलो द सी लेवल, है ना। इन द थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी अ मास अबव सी लेवल इज व्हाट सपोर्टेड बिलो द सी लेवल, बिलो सी लेवल, एंड देयर इज दस अ सर्टेन डेप्थ एट विच द टोटल वेट पर यूनिट एरिया इज इक्वल ऑल अराउंड द अर्थ, दस इज नोन एज द डेप्थ ऑफ द कंपनसेशन। मीनिंग क्या है कि जो जितना ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर है ना, जो ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर है उतना ज्यादा गहराई में जाके उसका कंपनसेशन लेवल मिलेगा, लेवल ऑफ कंपनसेशन, लेवल ऑफ कंपनसेशन भी कहते हैं लेकिन कंपनसेशन कही आप, ठीक है। लेवल ऑफ कंसेंसेशन उतना ज्यादा गहराई पर कंपनसेशन, कंसेशन मत समझना, कंपनसेशन कंपनसेट करना, ठीक है, उतना ज्यादा होगा। और इसको हम सब स्ट्रेटम भी कहते हैं, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सब स्ट्रेटम। बेटा समझ में आ रहा है सभी को, आइसोस्टेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जब मेंस में एग्जाम, मेंस एग्जाम क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा बेटा। द डेप्थ ऑफ द कंपनसेशन वॉज टेकन बाय 113, है ना, डेप्थ ऑफ कंपनसेशन और सब स्ट्रेटम, सब स्ट्रेटम 113 किलोमीटर और 70 माइल्स अकॉर्डिंग टू द हैफोर्ड बॉबी कॉन्सेप्ट। हैफोर्ड और बॉबी दो अलग अलग साइंटिस्ट है, इन्होंने कॉन्सेप्ट अपना दिया और बताया कि 113 किलोमीटर के लाइन पर क्या, 113 किलोमीटर के डेप्थ पर देयर मस्ट बी द लाइन ऑफ कंपनसेशन और द सब स्ट्रेटम, नेम्ड फॉर द अमेरिकन जियोडेसिस जॉन फिल्मोर हफोर्ड एंड द विलियम बॉबी, है ना। तो जॉन फिल्मोर हफोर्ड नाम था टोटल इनका और विलियम बॉबी। ओविंग टू चेंजिंग टेक्टोनिक इन्वायरमेंट्स, ओविंग टू चेंजिंग वॉट टेक्टोनिक इन्वायरमेंट्स, हाउएवर परफेक्ट आइसोस्टेसी इज अप्रोच्ड बट रेयरली अटेंड एंड सम रीजन्स सच एज द ओशनिक ट्रेंचेस एंड हाई प्लेट्यूज आर नॉट आइसोस्टेसिकली कंपनसेटेड। मीन्स ये है कि जो ज्यादा गहराई में ट्रेंचेज है और हाई प्लेट्यूज लाई करते हैं एक कैसे कंपनसेट होंगे, इस बात को सही से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इसके बाद में एयरी आते हैं जिसका बहुत बड़ा रोल है आइसोस्टेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में, है ना। द एयरी हाइपोथेसिस सेज दैट द अर्थ क्रस्ट इज अ मोर रिजिड सेल फ्लोटिंग ऑन अ मोर लिक्विड सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम माने वही लाइन ऑफ कंपनसेशन जिसे हम एस्थेनोस्फेयर कह रहे हैं, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर बेटा। ऑन अ मोर लिक्विड सबस्ट्रेटम ऑफ द व्हाट ग्रेटर डेंसिटी, सर जॉर्ज बिडल एयरी, इनका पूरा नाम क्या है, सर जॉर्ज बिडल एयरी, शॉर्ट में एयरी कह देते हैं। एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर अज्यूम्ड दैट द क्रस्ट हैज अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑल्दो, मतलब है ना, थ्रू आउट द प्लेसेस देयर इज द सिमिलर डेंसिटी, है ना, माउंटेन्स हो चाहे प्लेट्यूज हो या ट्रेंचेस होती है ना, ट्रेंचेस या फिर हम डीप ओशियन की बात करें, इन सभी का डेंसिटी क्या सेम है, ऐसा एयरी ने सपोज किया। तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे क्या कि भाई नीचे उन्होंने क्या सपोज कर लिया, एक लिक्विड सबस्ट्रेटम सपोज कर लिया, और जो ज्यादा मटेरियल जिसका ऑल्टीट्यूड ज्यादा होगा, है ना, उसको ज्यादा गहराई में, मतलब उसका रूट लंबा कर देंगे। बिगर द कॉलम डीपर द रूट, है ना, ये कॉन्सेप्ट किसका होगा, एयरी का होगा। अगर कॉलम का लंबाई ये है तो ये कम डेप्थ तक जाएगा, मतलब यहां तक होगा। अगर कॉलम का लंबाई और कम होगा बेटा तो इसकी डेप्थ और कम हो जाएगी। दिस इज द स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन ऑफ द एयरी। द थिकनेस ऑफ द क्रस्टल लेयर इज नॉट यूनिफॉर्म, है ना, क्रस्टल लेयर का थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन डेंसिटी क्या है उसका सेम है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्टल लेयर इज नॉट यूनिफॉर्म, कहीं माउंटेन है तो थिकनेस ज्यादा होगी, प्लेट्यू है थिकनेस कम हो जाएगी, प्लेन है थिकनेस और कम हो जाएगी, अगर ओशियन बेड है तो थिकनेस उसकी और कम हो जाएगी, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ द क्रस्टल लेयर, जो क्रस्ट बना हुआ है, देखो भाई क्रस्ट क्या है, ये अर्थ है, दिस इज द मेंटल, दिस इज द कोर, इसको क्या कहते हैं बेटा, कोर कहते हैं।
ये क्या है, मेंटल है, और ये क्या है बेटा, क्रस्ट है। तो क्रस्ट का थिकनेस अलग अलग है, 6 किलोमीटर से लेकर, क्रस्ट की थिकनेस बेटा 6 किलोमीटर से लेकर कितना होता है, 60 किलोमीटर तक होता है। तो माउंटेनियस रीजन में 60 किलोमीटर, जहां ट्रेंच है, डीपर पार्ट ऑफ ओशियन, वहां पर आप कितना लाई करता है, 5 से 6 किलोमीटर तक लाई करता है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्टल लेयर इज नॉट यूनिफॉर्म हाउ एवर, एंड सो दिस थ्योरी supposes that the thicker parts of the crust sink deeper into the substratum, while the thinner parts are beyond the what? up by it. According to this hypothesis, mountains have roots below the surface that is much larger than their surface expansion. है ना, तो surface पर जो extend कर रहा है उसके compare में उसका जो रूट है वो काफी ज्यादा गहराई में माउंटेन्स का लाई करेगा। कौन कह रहा है इसको, एयरी कह रहे हैं। दिस इज एनालॉगस टू द आइसबर्ग फ्लोटिंग ऑन द वाटर, इन दिस ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइसबर्ग इज द वॉट अंडर वाटर। देखिए डायग्राम बनाता हूं, समझने की कोशिश इस बार कर लेना पूरी तरह से, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ भी लेना, ठीक है बेटा। ये है ओशियन, इस ओशियन में आइसबर्ग एक फ्लोट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसका जो पोर्शन यहां पर है सपोज 100 मीटर है, तो इसका 9 पार्ट बिलो द सरफेस होता है, कितना जाएगा 900 मीटर। अब ऐसी कंडीशन नहीं होगा तो इस, तो है ना, आइसबर्ग्स मींस द लार्ज साइज ऑफ द आइस मटेरियल फ्लोटिंग ऑन द वाटर बॉडी कैन नॉट क्रिएट, है ना, वो कंडीशन क्रिएट नहीं हो सकती बेटा। तुझे ये सारी बातें समझ के चलना आप लोग, ठीक है। तो डीपर जितना इसका हाइट होगा उसके हिसाब से क्या करेगा, ओशियन में या वाटर बॉडी में जिस तरह से लाई कर रहा है, इसी तरह से एस्थेनोस्फेयर है, क्या है बताया हमने आपको बेटा, एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या करेगा, ये पेनेट्रेट करेगा जिस हिसाब से इसका हाइट होगी, जिस हिसाब से हाइट होगी इसमें क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा। सभी को समझ में आ रहा है, कोई क्वेरीज हो तो बता देना बाबू, है ना, कोई क्वेरीज हो तो बता देना। साइंस का अगर कॉन्सेप्ट आपने कभी पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर पढ़ा है तो उसमें बेटा आसानी समझ में आएगा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन ही आर्किमिडीज देते हैं, और वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज किसने किया, एयरी ने किया है। द प्राट हाइपोथेसिस, प्राट क्या कहना चाह रहे, देखिए द प्राट हाइपोथेसिस डेवलप्ड बाय जॉन हेनरी प्राट, नाम पूरा क्या है इनका, जॉन हेनरी प्राट, ये भी इंग्लिश मैथमेटिशियन है एंड एंग्लिकन मिशनरी, सपोजेस दैट द अर्थ क्रस्ट हैज अ यूनिफॉर्म थिकनेस, अर्थ क्रस्ट का थिकनेस क्या है, सेम है। ये भी गलत कह रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या कह रहे हैं, बात को गलत कह रहे हैं कि भाई थिकनेस समान कैसे हो सकता है, माउंटेन नहीं दिखाई दिया प्राट को क्या। देखिए मिशनरी सपोजेस दैट वॉट, अर्थ क्रस्ट हैज द यूनिफॉर्म थिकनेस बिलो सी लेवल विद इट्स बेस एवरीवेयर सपोर्टिंग एन इक्वल वेट पर यूनिट एरिया एट द डेप्थ ऑफ द कंपनसेशन, एट द डेप्थ ऑफ द कंपनसेशन, इनका कहना है कि जितनी थिकनेस हो सभी क्या है, बराबर है। अगर थिकनेस सभी जगह बराबर है इसका मतलब क्या होगा बेटा, है ना, डेंसिटी चेंज करेगा, डेंसिटी क्या करेगा, वेरी करेगा। इन एसेंस दिस वे दैट एरियाज ऑफ द अर्थ ऑफ लेसर डेंसिटी सच एज माउंटेन रेंजेस प्रोजेक्ट हायर अबव सी लेवल देन डू दोज ऑफ द ग्रेटर डेंसिटी। द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वॉज दैट द माउंटेन्स रिजल्टेड फ्रॉम द अपवर्ड एक्सपांशन ऑफ द लोकली हीटेड क्रस्टल मटेरियल, जो लोकली हीटेड क्रस्टल मटेरियल उसकी वजह से माउंटेन्स क्या करते हैं, ऊपर उठते हैं, विच हैड अ लार्जर वॉल्यूम
but a lower density after it had cooled. After it had cooled, ठीक है, तो cooled होने, ठंडा होने से वो mountains में convert हो गया. The Hickenson hypothesis, Hickenson भी एक वैज्ञानिक है, उन्होंने अपना hypothesis दिया है isostasis related, developed by Finnish geodesist Veikko, नाम क्या है इनका, Veikko Aleksanteri Hickenson, आप Hickenson ही जानिए बस, ठीक है, Hickenson ही बहुत है. थैंक यू दुर्गेश जी, थैंक यू दुर्गेश, है ना. तो हमने कहा Veikko Hickenson, Hickenson नाम है इनका, इज एन इंटरमीडिएट और कंप्रोमाइज हाइपोथेसिस बिटवीन एयरीज एंड प्राट. तो एयरीज और प्राट के बीच में इन्होंने एक कंप्रोमाइज प्रोवाइड किया. कंप्रोमाइज का मतलब एक बैलेंस प्रोवाइड करेंगे और इनका जो व्यू निकल के आएगा वो ज्यादा अच्छा होगा. दिस हाइपोथेसिस सेज दैट अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द टोपोग्राफी इज कंपनसेटेड बाय रूट फॉर्मेशन, है ना. मिला जुला के बाद एयरी की बात कह दी इन्होंने कि 2/3 जो है ना, 2/3 कैसे हो रहा है, कंपनसेट हो रहा है टोपोग्राफी, है ना. टोपोग्राफी कंपनसेट होता है कैसे. दिस हाइपोथेसिस सेज दैट अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द टोपोग्राफी इज कंपनसेटेड बाय द रूट फॉर्मेशन, है ना. रूट फॉर्मेशन मतलब 2/3 ऐसी टोपोग्राफीज हैं जो कि क्या करेंगी, ये बाहर पोर्शन है लाइन ऑफ कंपनसेशन, इसका रूट बनेगा, ठीक है. 2/3 टोपोग्राफीज रूट बनाती है. एंड 1/3 ऑफ द अर्थ क्रस्ट अबव द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड द सबस्ट्रेटम, है ना. तो वो क्या करेगा, अर्थ क्रस्ट और सबस्ट्रेटम के बीच में यहां पर बाउंड्री क्रिएट करता है. प्राट के हिसाब से ये है. इन आइसोस्टेसी अकॉर्डिंग टू एयरी, एयरी क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है मिस्टर, इसको हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे. हाइपोथेसिस सेज दैट द अर्थ क्रस्ट इज अ मोर रिजिड सेल. किस तरह का सेल है बेटा, मोर रिजिड सेल फ्लोटिंग ऑन अ मोर लिक्विड सबस्ट्रेटम ऑफ ग्रेटर डेंसिटी. तो लिक्विड सबस्ट्रेटम पर लिक्विड सबस्ट्रेटम पर यहां ये क्रस्ट क्या कर रहा है बेटा, ये इस पर तैर रहा है, राइट. जब ये लिक्विड सबस्ट्रेटम पर ये क्रस्ट तैर रहा है, इसमें डेंसिटी इस लिक्विड मटेरियल की, लिक्विड लिक्विड सबस्ट्रेटम, समझ में आ गया, लिक्विड सबस्ट्रेटम का जो डेंसिटी है बेटा वो ज्यादा है, दैट इज हाई देन द क्रस्ट. अगर क्रस्ट का डेंसिटी हम D1 मान लेते हैं, लिक्विड सबस्ट्रेटम का डेंसिटी क्या मान लेते हैं D2, तो D1 इज लेस देन D2. अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है और लिक्विड है तो इस पर क्या करेगा, फ्लोट करेगा ना, इट इज गोइंग टू फ्लोट. Any doubt? So the hypothesis says that the earth crust is more rigid cell floating on a more liquid substratum of greater density. Sir George Biddle Airy क्या कहते हैं, an English mathematician and the astronomer assumed that the crust has a uniform density throughout. हर जगह density उसका क्या है, same है. Density is everywhere same. Airy के hypothesis के हिसाब से देखिए density क्या है बेटा, ये crust है ना, crust. ये सबसे ज्यादा इसकी thickness है ना, तो ये maximum depth तक ये गया हुआ, देखो इसका expansion maximum depth तक है, और इसकी height कम है तो इससे कम depth तक गया हुआ है. इसकी हाइट और कम है तो ये और कम डेप्थ तक गया हुआ है ना.
इसकी हाइट इससे भी कम है तो यहां तक पहुंचा हुआ है ना। और ओशियन बॉटम जो है इसकी हाइट कहाँ बहुत कम, सी लेवल से भी नीचे है ना, तो ऐसे में इसका सबस्ट्रेटम में बहुत अंदर तक एंटर नहीं करता है। तो ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया, एरी का हाइपोथेसिस यही है। एयरीज कॉन्सेप्ट को हमने बताया आइसोस्टेसी की, आप इस डायग्राम से जल्दी समझ सकते हैं है ना। देयर इज द सिमिलर डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक्स, ये वुडन ब्लॉक है बेटा, इनका डेंसिटी सिमिलर है ना। जिसकी जिसका ऑल्टीट्यूड ज्यादा है वो 9 times more सबस्ट्रेटम के बाद जाके एग्जिस्ट करेगा, इसकी डेंसिटी और कम है तो ये और नीचे जाके एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट किसने दिया है, एरी ने। एरी अ जियोलॉजिस्ट कंसिडर्ड द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट कॉलम्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स एक्सेट्रा, मतलब जितना भी है ना। कंसिडर द वॉट डेंसिटी ऑफ डिफरेंट कॉलम्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स एक्सेट्रा टू बी द वॉट सेम, डेंसिटी सेम मान लिया। हेंस ही प्रपोज द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस, याद रखना इस पॉइंट को। यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस, यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस। डेंसिटी सेम का मतलब यह है बेटा कि जैसे माउंटेन है ना, माउंटेन अगर माउंटेन का डेंसिटी थ्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो एयरी ने कहा है कि प्लेट्यू का डेंसिटी भी क्या होगा, लुक हियर, यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस, थिकनेस अलग अलग है ना। 3 ग्राम डेंसिटी इसका पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 3 ग्राम डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब इसका भी होगा। दुर्गेश कुमार पाठक समझ में आ गया, डेंसिटी प्लेट्यू का, माउंटेन का, प्लेन का या ओशियन बॉटम का, सभी का डेंसिटी क्या सेम है, इनका कहना यह है। बट ये सही नहीं है बात बेटा, आपको समझ में क्यों नहीं आया मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बात ठीक नहीं, ही इज नॉट राइट, ही इज नॉट एक्यूरेट एट हिज पॉइंट। इन दिस लेयर सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिसे हम लोग सियाल भी कहते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिनियम आर फाउंड इन द अबंडेंस, हेंस इट इज नोन एज सियाल, इसीलिए इसको सियाल भी कहते हैं। इट इज लेस डेंसर देन द लोअर वन, जो लोअर पार्ट में है उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। लोअर पार्ट इसको अभी सब स्ट्रेटम बताया मैंने, उसकी डेंसिटी क्या है बेटा, लुक हियर, इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, इस वाले की डेंसिटी कम है। एयरी एज्यूम्ड दैट द सियालिक क्रस्ट, जिसमें सिलिकॉन ज्यादा है, इज फ्लोटिंग ओवर द सीमा, सियालिक क्रस्ट फ्लोटिंग ओवर सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, मतलब जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है इसका वेट कम है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम वाले का वेट ज्यादा है, इसलिए सियाल जो है सीमा पर फ्लोट करता है, जिसकी डेंसिटी क्या है, कम है। क्रस्टल लेयर इज यूनिफॉर्म इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी विद द वेरिंग लेंथ ऑफ द कॉलम्स, देयरफॉर दोज कॉलम्स आर प्रोजेक्टिंग डाउन इनटू द व्हाट, एस्थेनोस्फीयर, डिपेंडिंग अपॉन द प्रपोर्शंस ऑफ द कॉलम। क्रस्टल लेयर इज uniform in the terms of density with the varying length of the columns, therefore those columns are projecting down into the asthenosphere depending upon the proportion of column, column jitna zyada bada hoga utna zyada gehrai mein rahega, column agar chota hoga to gehrai uski kam hogi, pehle diagram beta maine aapko ye dikha diya tha, yahan par dekh lijiye।
यही डायग्राम है, इसको इस बात से, इस डायग्राम से भी कोरिलेट कर सकते हैं। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट द रूट हैज डेवलप्ड और द सीमा हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम बिलो। टू प्रूव दिस कॉन्सेप्ट एरी टुक एन एग्जाम्पल ऑफ वुडन ब्लॉक्स ऑफ द वेरियस साइजेस एंड इमर्ज देम इनटू द वाटर। वाटर में क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। अलग अलग साइज के वुडन ब्लॉक्स लिया उन्होंने, जिसका हाइट क्या रहेगा, अलग अलग होगा, डेंसिटी सेम होगा। तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी बेटा, उसका वेट ज्यादा होगा, तो ज्यादा नीचे तक जाएगा। सिंपल सी बात है, यही बात कहना चाह रहे हैं यारी साहब। ऑल ब्लॉक्स आर ऑफ सेम डेंसिटी, जितने ब्लॉक्स हैं सेम डेंसिटी के हैं। दे गेट इमर्स्ड डिफरेंटली इन द व्हाट, प्रपोर्शन ऑफ देयर साइज, प्रपोर्शन ऑफ देयर साइज। इन द सेम वे हायर फीचर्स विद ग्रेट हाइट सीन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हैव डीपर रूट्स, वेयर एज शॉर्ट इन लेंथ हैज शॉर्टर रूट बेनीथ। मतलब क्या है कि जिसका हाइट ज्यादा है सब स्ट्रेटम के नीचे ज्यादा रहेगा वो, और जिसका हाइट कम है वो सब स्ट्रेटम के नीचे कम होगा। यही तो बताना चाह रहा हूं बेटा मैं, समझ में सभी को आ ही रहा होगा ना। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट विच इज सस्टेनिंग द हायर एलिवेशन। ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट लैंड मासेस आर फ्लोटिंग लाइक अ बोट ऑन द सबस्ट्रेटम मैग्मेटिक एस्थेनोस्फेयर। मैग्मेटिक एस्थेनोस्फेयर पर लुक हियर, दिस इज द मैग्मेटिक एस्थेनोस्फेयर, मैग्मा का एस्थेनोस्फेयर है बेटा, और इसके ऊपर जो क्रस्ट है ना, द क्रस्ट अबव इट फ्लोटिंग इन दिस वे, फ्लोटिंग लाइक अ बोट, एक बोट की तरह फ्लोट कर रहा है, समझ रहे हैं? एक बोट की तरह क्या करता है बेटा, ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोट माने तैरना। According to this concept, the route beneath the Mount Everest would be 8,848 into 8, मतलब 70,768 मीटर बिलो द सी लेवल। सी लेवल से लगभग कितना होना चाहिए, 70,000 मीटर, मतलब 70 किलोमीटर करीब होना चाहिए, 71 किलोमीटर अराउंड। On this basis, Airy has been criticized that the route is not possible to be at such great depth because the route material will melt due to the higher temperature found at the depth. Actually क्या है, around 1000 degree Celsius temperature लाई करता है बेटा, 70 से 80 किलोमीटर के depth पर, sea level से 70 से 80 किलोमीटर के depth पर क्या है, around 1000 degree Celsius temperature है। तो जो route है इसका क्या करेगा, mountain का, हिमालयन माउंटेन का जो रूट है ये पिघल जाएगा, यहां पर इतने टेम्परेचर पर पिघल जाएगा, इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया गया। आइसोस्टेटिक बैलेंस व्यूज ऑफ प्राट, प्राट क्या कहते हैं हम उसकी बात देखेंगे। प्राट कंसीडर्ड लैंड ब्लॉक्स ऑफ द वेरियस हाइट्स टू बी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर डेंसिटी। डेंसिटी उनकी अलग अलग है और हाइट भी उन्होंने अलग अलग मान लिया, लेकिन एक सब स्ट्रेटम होगा जहां पर सभी बैलेंस होंगे, मतलब लॉ ऑफ फ्लोटेशन तो होगा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन होगा, लेकिन बेनीथ द सरफेस और द बिलो द सब स्ट्रेटम, ऑन द सब स्ट्रेटम और द एवरी काइंड ऑफ द रॉक विल हैव सेम लेवल, ज्यादा गहराई में कोई नहीं जाएगा, ठीक है, ये सब नहीं हो सकता। तो इन्होंने एरी का थोड़ा सा अलग बात कहने की कोशिश किया है। द टेलर लैंड मास, द टॉलर लैंड मास हैज लेसर डेंसिटी, टॉलर मीन्स बिगर, बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम
smaller the column, higher the density. Higher the डेंसिटी ज्यादा होगी। ये किसका किसका कहना है बेटा? प्राट का कहना है। द टॉलर लैंड मास हैज लेसर डेंसिटी एंड द स्मॉलर हाइट फीचर्स टू बी डेंसर। इन अदर वर्ड्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड डेंसिटी। हाइट ऑफ लैंड मासेस inversely proportional to the what? Density. Height ज्यादा होगा तो density कम होगी। ये बात यहां कही जा रही है बेटा। सभी को समझ में आ रहा है ना? If there is a higher column, density will be lesser, and if there will be shorter column, density will be higher. अगर ये column है बड़ा तो इसका density हम मान लेते हैं d1, ठीक है। एक दूसरा कॉलम है, इसका डेंसिटी मान लेते हैं d2, तो d2 का कॉलम छोटा है तो डेंसिटी इसकी क्या होगी? d1 के कंपेयर में ज्यादा होगी। यही बात एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं बेटा मैं, और प्राट भी यही कहना चाह रहे थे, प्राट भी यही कहना चाह रहे हैं और मैं भी यही कहना चाह रहा हूं, ठीक है। एज्यूमिंग दिस टू बी ट्रू, ही एक्सेप्टेड दैट ऑल द ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट हाइट गेट कंपनसेटेड एट अ सर्टेन डेप्थ into the what? Substratum. Substratum में एक ही depth पर क्या करेंगे? सभी के सभी material density ज्यादा हो या कम हो, एक ही depth पर आके रुकेंगे। In this way, a line is being demarcated above which there is equal pressure with varying height. हाइट कितनी भी हो लेकिन प्रेशर क्या होगा? एक लाइन होगी जिस पर इक्वल प्रेशर आगे पड़ेगा। दस ही डिनाउंस्ड द रूट कॉन्सेप्ट। रूट कॉन्सेप्ट को अनाउंस नहीं किया, डिनाउंस कर दिया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, ऑफ एरी एंड एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ कंपनसेशन। लेवल ऑफ कंपनसेशन के कॉन्सेप्ट को उन्होंने बेटा एक्सेप्ट किया। बात समझ में आ रही है ना? फॉर प्रूविंग हिज कॉन्सेप्ट ही टूक अ नंबर ऑफ मेटल बार्स ऑफ वेरिंग डेंसिटी। अलग अलग डेंसिटी के मेटल बार्स, मतलब कॉपर का, आयरन का, एल्यूमिनियम का, इस तरह के रॉड्स लेते हैं और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसकी लंबाई कम कर देते हैं और जिसकी डेंसिटी कम है उसकी लंबाई बढ़ा देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का बढ़ा देंगे, आयरन का डेंसिटी ज्यादा होता है उसका लंबाई घटा देंगे। इस तरह से इन्होंने कॉन्सेप्ट को मेंटेन किया बेटा, ठीक है। इन दिस वे दे फॉर्म अ लाइन बाय ऑल दोस बार्स। एक लाइन उस उन बार्स के थ्रू एक लाइन बन गया, ठीक है। जिसको लाइन ऑफ कंपनसेशन कहा, विच ही रिगार्डेड टू बी द व्हाट? लेवल ऑफ कंपनसेशन। इसे ही लेवल ऑफ कंपनसेशन प्राट ने कहा। अब हम देखेंगे बेटा डिफरेंस क्या है, एरी और प्राट के व्यू में क्या डिफरेंस है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द व्यूज ऑफ प्राट एंड एरी? एरी क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल मटेरियल, वेरिंग डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल मटेरियल, अपोजिट बात हो गई। वेरिंग डेप्थ अप टू विच रूट पेनिट्रेट्स, जहां तक रूट पेनिट्रेट करेगा डेंसिटी वेरी करेगी। क्रिस्टल मटेरियल रीचेस यूनिफॉर्म डेप्थ अप टू विच क्रिस्टल मटेरियल रीचेस, जहां तक क्रिस्टल मटेरियल रीचेगा, रीच करता है मतलब पहुंचता है, वहां तक डेंसिटी सेम होगी। डीपर रूट बिलो द माउंटेन्स एंड स्मॉलर बेनिथ द प्लेन, नो रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बट अ लेवल ऑफ कंपनसेशन इज फाउंड। लेवल ऑफ कंपनसेशन इज फाउंड। तो बेटा आप अगर इन दोनों चीजों को समझ सकते हैं तो प्राट और एरी के कॉन्सेप्ट को इजीली यहां एग्जामिन कर लेंगे, ठीक है। देखो यहां पर ब्लॉक्स ऑफ सेम मास डिफरेंट डेंसिटी, ब्लॉक्स ऑफ सेम डेंसिटी डिफरेंट मासेस। तो इसका मास ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा गहराई तक पहुंचा हुआ है। यहां पर मास इसका क्या है?
कम है कंपेरेटिवली तो कम गहराई तक, है ना, इसके बाद इसका सबसे कम है तो सबसे कम गहराई पे गया हुआ है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि ब्लॉक्स ऑफ सेम मास, मास सबका इक्वल है तो इसका मतलब सेम डेप्थ पर जाएंगे, और यहां मास चेंज हुआ इसलिए अलग अलग डेप्थ पहुंचती है। समझ आ रहा बेटा कि नहीं समझ आ रहा? अलग अलग डेप्थ यहां पर मेंटेन होती है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पोजिशन पर इसका सबका मास अलग है लेकिन इसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, डेंसिटी वेरीज हियर। तो सपोज द डेंसिटी ऑफ दिस कॉलम इज डी वन एंड ऑफ डी डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव, डी वन इज मिनिमम, सबसे कम डी वन है, उसके बाद बेटा कौन सा है, डी टू है, फिर कौन सा है, डी फोर है, इनमें दिखाई देगा कि ज्यादा ज्यादा ऊंचा इसके कंपेयर में, हाइट इसकी ज्यादा है, फिर उसके बाद में ज्यादा कौन सा है, डी थ्री है, और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, डी फाइव की है। इस तरह से यहां पर आइसोस्टैटिस्टिकल बैलेंस क्रिएट होता है, इट इज अकॉर्डिंग टू द प्राट, दिस इज द प्राट हाइपोथेसिस एंड दिस इज द हाइपोथेसिस ऑफ एरी, दिस इज द एरीज हाइपोथेसिस। यस सर, सलमान खान जी, ऑप्शनल का पूरा कोर्स कराऊंगा, अभी जियोमॉर्फोलॉजी पर हम लोग आज सेवेंथ लेक्चर पे हैं, 7 PM पे डेली बैच स्टार्ट होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है ग्लोबल आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, ग्लोबल आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। इट इज क्वाइट अपेरेंट दैट देयर इज हाँ जी सर, सारा इस चैनल पर कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो, पेपर वन पेपर टू दोनों कराऊंगा। इट इज क्वाइट अपेरेंट दैट देयर इज नो कंप्लीट आइसोस्टैटिक बैलेंस ओवर द ग्लोब, द अर्थ इज अनस्टेबल, द अर्थ इज व्हाट, अनस्टेबल। एंडोजेनेटिक फोर्सेस ऑफन डिस्टर्ब द क्रस्टल बैलेंस, जो अंडर अंडर सरफेस जो फोर्स लाई करता है वो क्रस्ट को डिस्टर्ब कर देता है, क्रस्टल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है बेटा, क्योंकि उसके अर्थक्वेक आता है इंटरनल फोर्स के इफेक्ट में। अंडर एंडोजेनेटिक फोर्सेस देयर टेक्स प्लेस, देयर टेक्स प्लेस अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, लैंडस्लाइड्स एटसेट्रा, सो दैट कॉजेस इंबैलेंस ऑफ द क्रस्ट। एक्चुअली द रेगुलर अर्थक्वेक्स एंड द वोल्केनिक इरप्शंस अलोंग विद अ पर्टिकुलर बिल्ट डू नॉट सिग्निफाई एनी बैलेंस बट अ सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट इज नीडेड कंटिन्यूअसली। भाई देखो, अर्थक्वेक आया तो उससे बहुत बड़ा इम्बैलेंस नहीं क्रिएट होगा और बैलेंस भी नहीं होता, लेकिन हमेशा एक बैलेंस की कंडीशन बना रहना चाहिए, नहीं तो अर्थक्वेक ही अर्थक्वेक आता रहेगा। एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड देयर टेक्टोनिक इफेक्ट्स आर कॉजेस ऑफ द इम्बैलेंस ऑन द सर्फेस, बट नेचर ऑलवेज ट्राइज टू मेक एन आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट विद इटसेल्फ। नेचर हमेशा आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट करना चाहता है। अराउंड 4 to 5 months, 4 to 5 months राइट आगे देखते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस मतलब बेटा जो सरफेस पर जैसे विंड है, ग्लेशियर है, विंड, ग्लेशियर, रिवर्स, सी वेव्स, ये एक्सटर्नल फोर्स के एजेंट है। इंटरनल फोर्स का एजेंट क्या है बेटा, मैग्मा है, मैग्मा रोल करता है। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आर ट्राइंग टू एलिमिनेट द डिफरेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब क्या है कि जो माउंटेन बना है इसको रिवर्स इरोड करके क्या करना चाहता है, एक प्लेन स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है, प्लेन स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है, राइट। यहां समझने की कोशिश करेंगे बेटा, 60 करोड़ ईयर्स अगो, इसी बात को एक्सोजेनेटिक फोर्स को बता रहा हूं मैं, 60 करोड़ ईयर्स अगो द अल्टीट्यूड ऑफ द अरावली माउंटेन वॉज मोर देन, द अल्टीट्यूड ऑफ अरावली माउंटेन वॉज मोर देन द हिमालयाज,
बट राइट नाउ इट्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड इज 1722 मीटर, 1722 मीटर गुरु सीकर का हाइट अप आज के डेट में है. इट मीन्स द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस गोइंग टू क्रिएट द व्हाट प्लेन सरफेस फीचर्स ऑफ द माउंटेन सिस्टम्स, है ना, एंड द इंटरनल फोर्स गोइंग टू रिक्रिएट द रिलीफ सिस्टम्स. रिलीफ सिस्टम को बनाने का काम इंटरनल फोर्स करता है ऑफ द अर्थ एंड दिस प्रोसेस दे आर पीलिंग ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डाउन टू फार फार फ्लंज प्लेसेस एंड डिपोजिटिंग देम. और उनको क्या करता है, डिप्रेशन में डिपोजिट करता है. हिमालय माउंटेन है बेटा यहां पर, यह ग्रेट प्लेन है, ग्रेट प्लेन से ये बे ऑफ बंगाल है, तो यहां से इरोजन करके इधर डिपोजिट करेगा मटेरियल को और यहां डिपोजिट करेगा. यही तो कहना चाह रहे थे पिछले पैराग्राफ में. इन दिस प्रोसेस आइसोस्टेटिक बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय द अंडरनीथ फ्लोवेज ऑफ द मटेरियल बाय द सब्सिडेंस ऑफ द प्लेसेस प्लेस ऑफ द डिपोजिशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीलिंग ऑफ प्लेस इन द इन देयर प्रपोर्शन टू द डेनुडेशन, है ना. तो जिस तरीके से ये अपलिफ्ट करेगा इसको बैलेंस करने के लिए, यहां जाकर डिपोजिट होगा, ये नीचे की तरफ आता है, आइसोस्टेटिक बैलेंस क्रिएट होता है बेटा. तो इसी के साथ में मेरा टॉपिक यहां पर आज कंप्लीट हो जाता है. इसको आप लोग समझ चुके होंगे, राइट. वीडियोस को बेटा लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे. वीडियोस को लाइक करोगे, अच्छे कमेंट्स करोगे तो उससे मुझे भी थोड़ा सा मेरा भी कॉन्फिडेंस रहेगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा. चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वीडियोस, शेयर वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल. सब्सक्रिप्शन के बाद बेटा बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगा, राइट. यूज माई कोड SNT1 टू गेट 10% डिस्काउंट इन योर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड SNT1 यूज करिए. ऑप्शनल में बेटा कम से कम 1 month का सब्सक्रिप्शन है जिससे कि मैं आपको 4 महीने ऑप्शनल पढ़ा सकूं, और 1 month के सब्सक्रिप्शन का चार्जेस ओनली 5000 है. तो 5000 पे करके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, है ना, टू गेट रेगुलर क्लासेस ऑफ द ऑप्शनल बाय मी हेयर. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. Have a nice time. Good night.